आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कांग्रेसी सांसद अधीररंजन चौधरी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पलटवार, कहा देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी है अत्यंत निंदनीय। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी है अपमान। मुहर्रम रक्षाबंधन शिवरात्रि का त्योहार सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, परंपरागत रास्तों से ही लाए व ले जा सकेंगे ताजिए, नई परंपरा नहीं होगी कायम। जनपद में लगातार ट्रैफिक को लेकर जमीन पर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त करने के लिए आईटीएमएस कंट्रोल रूम का एसपी ट्रैफिक ने किया निरीक्षण, कहा महानगर की सड़कों पर चलने वाले लोग अब हो जाएं सावधान, एक दिन में 1,00,000 ऑटोमेटिक चालान करने की है क्षमता। गीड़ा थाना क्षेत्र के गाहा साड़ में अनियंत्रित होकर स्कूली बस पलटने से आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भेजकर कराया इलाज। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार, तहरीर मिलने पर की जाएगी उचित कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन हो गई है अलर्ट, शांतिपूर्वक सभी त्योहार को संपन्न कराने के लिए पुलिस है कटिबद्ध। नागरिकों से की अपील, कहा जैसे पिछले दिनों में दिया है सहयोग, वैसे ही शांतिपूर्वक मनाएं आगामी त्योहार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदेश पर अपने प्राण निछावर करने वाले शहीद के परिवारों को नहीं देना पड़ेगा नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नगर निगम अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लिया है यह फैसला। विश्व बाघ दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर टाइगर का किया गया आयोजन। स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ किया प्रतिभाग। डीएफओ विकास कुमार यादव ने कहा, टाइगर बचेगा तो ही बचेगा हम सभी का जीवन। विभिन्न चौराहों पर रोड के किनारे और नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध ट्रैफिक विभाग चला रहा है अभियान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर एमबी एक्ट के तहत की जा रही है कार्यवाही। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम ने चलाया स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में जनपद को टॉप 10 में लाने का है लक्ष्य। और स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की पुण्यतिथि पर आयोजित अंडर 15 जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जिले के सभी अखाड़ों एवं गांवों से लगभग 120 बच्चों ने किया प्रतिभाग। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महामंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, स्वर्गीय चंद्रमौली पांडे की स्मृति में हुई कुश्ती प्रतियोगिता ही है उनको सच्ची श्रद्धांजलि।